दैट इज कंजक्शन डिसजंक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट, या क्या पढ़ा था, फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि पी इज अ प्रोपोजिशन, तो निगेशन ऑफ पी हमने पढ़ा था, निगेशन का सिंबल हमने इस तरीके से, सपोज पी एंड क्यू आर टू प्रोपोजिशंस, तो फिर हमने कंजक्शन पढ़ा था, ये सिंबल था, डिसजंक्शन पढ़ा था और कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन पढ़ा था, हमने अब तक बाई डायरेक्शनल नहीं पढ़ा था। ये जो हमने चार ऊपर के डिफरेंट टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़े थे, इनके फिर हमने ट्रुथ टेबल भी देखे थे और डिफरेंट एग्जांपल्स भी किए थे। उसके बाद मैंने कहा था कि बुक में जहाँ तक मैंने पढ़ाया इससे रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जिन जिन्होंने सॉल्व करने की कोशिश किया जस्ट रेज योर हैंड्स। इनफैक्ट मैंने कहा था कि मैं आपकी क्लास में कॉपीज चेक करूंगा, तो जस्ट रेज योर हैंड्स जिन जिन्होंने करने की कोशिश की। अबू बकर, साद खान एंड बेटा ऐसा ही हैंड रेज नहीं कर देना, अभी मैं आपको बोलूंगा कि मुझे वो कॉपी दिखा दो, दिखानी पड़ जाएगी। चलें ठीक है, वेरी गुड, जस्ट लोअर योर हैंड्स ताकि मैं कुछ और पूछूं। ऑल ऑफ यू लोअर योर हैंड्स, हरी अप, लोअर योर हैंड्स। साद एंड वक्कास, लोअर योर हैंड। साद खान, लोअर योर हैंड। ओके, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो जस्ट रेज योर हैंड। अब तक जिसने कोशिश की थी नहीं कर पाए या कोई क्वेश्चन था वो जस्ट रेज योर हैंड। कोई भी नहीं है, सबको सब कुछ समझ में आ गया, बेहतरीन है फिर तो। जी साल, सर ये क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट था एक। साथ आवाज नहीं आ रही, माइक चेक करें अपना। सर क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट था एक। बल्कि नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, वेट अ मोमेंट। वेट वेट वेट, there is something wrong with my speaker. Jee, shared screen. ओके, अब बोलें साहब। अनम्यूट करें। सर क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट था। नंबर्स मुझे याद नहीं है क्वेश्चन, या बताएंगे अच्छा, या दिखाएंगे। बस सर ये बट की स्टेटमेंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, कंजक्शन को? जहां बट लिखा होगा दैट इज एंड, ए एन डी, ठीक है। और Nevertheless, statement मुझे बताओ। You get an A on the final, but you don't do every exercise in this book. Nevertheless, you get an A in the class. But आपने बता दिया end। मैं book खोलूं? जी सर खोलिए। यहीं पर आपके सामने, एक मिनट रुके। Edition कौन सा आपके पास? 7th edition है सर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 14।
जब तक और किसी का क्वेश्चन है तो वो देख ले, मैं बुक जरा ढूंढ लूं, मिल तो गई है, बस खुल जाए वो पीडीएफ उसकी। पेज नंबर बताइएगा।
किसने ये क्वेश्चन किसने पूछा था? हाँ अनम्यूट करें। यस सर। कौन से डी पार्ट? डी पार्ट पूछ रहे हैं जी। बिल्कुल सर। इको क्यों हो रही है? हाँ तो बेटा ये दोनों में एंड तो लिखा हुआ, एंड लिखा हुआ और नेवरदलेस भी लिखा है सर। नेवरदलेस वो भी एंड, वो भी एंड। ओके सर, थैंक यू सो मच। So, ये कुछ हम एग्जांपल्स दोबारा आ रहे हैं, हम वैसे तो कर चुके हैं कि कंपोजिट स्टेटमेंट एंड वगैरह आए थे, बच्चों ने काफी प्रैक्टिस किए तो मैं जल्दी जल्दी। अच्छा कोई मुझे बताएगा बाई डायरेक्शनल हमने किया था, इम्प्लीकेशन हमने कर लिया था? टू हैंड्स आर रेज्ड। जी फातिमा बेटा सर ये क्वेश्चन नंबर 14 का ही बी पार्ट है, दो सेंटेंस के बीच में कॉमा है। सिर्फ कॉमा है, पहले इफ वगैरह कुछ लिखा हो? एक मिनट, बी पार्ट है सर 14 का। बी पार्ट किसने कर लिया है? यू गेट एन ए ऑन द फाइनल, यू डू, ये एंड है, यू गेट ए ऑन द फाइनल, यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक। सर ये भी एंड है इंग्लिश है ना, इंग्लिश 1, 2 एंड आखिर में एंड 3 ऐसे लिखते हैं ना इंग्लिश को, जब मल्टीपल चीजें होती है एंड में तो क्या लिखते हैं 1, 2 आखिर में एक एंड लिखते हैं। जी सर। ओके सर थैंक यू। म्यूट करें। दो तीन है रेज आ गए। जी अरीशा। सर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी है, उसमें एबी सेंड मोर देन 100 टेक्स्ट मैसेजेस एवरी डे, इसका निगेशन समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट रुके अब्दुल राफे, म्यूट नहीं कीजिएगा अरीशा। ओके जी राफे। सर क्वेश्चन नंबर 20। अब लिसन ऑल ऑफ यू, मैं एक कोई क्वेश्चन कर लेता हूँ या राफे का या अपना, चले अरीशा का कर लेते हैं। आपको करना ये है कि अब पहले खुद कोशिश करनी है, फिर दोस्तों से करना है, इस तरीके से हर स्टूडेंट के पास एक ना एक क्वेश्चन रहेगा, राइट? और क्वेश्चंस भी इतने सारे हैं, अगर मैं फिर भी नहीं होता तो मैं आंसर देने के लिए तो हूँ, अगर मैं हर क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर दूंगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आप लोग क्लास में मिलने वाले हैं, थोड़ी कोशिश करें। वन थिंग कि आप दो फ्रेंड्स एक साथ, पहले तो अपनी सारी कोशिश करेंगे, एक दो क्वेश्चन हर स्टूडेंट से जो रहेंगे वो एक दूसरे से पूछ सकते हैं, वन थिंग। एंड अनदर थिंग इज सॉल्यूशन मैनुअल, अभी थोड़ी देर में मैं सीआर को फॉरवर्ड कर रहा हूँ जिसमें ऑड नंबर्स किए हुए होंगे। क्या पूछा था अरीशा? 4 का पार्ट सी। What is the negation of each of these propositions? Abby sent more than 100 text messages every day. So Abby sent, क्या कहेंगे हम? Sir does not sent more than 100 से कम. It is not, पहली बात के negation मैंने कैसे लिखाया था? It is not the case that Abby sent more than 100 text messages every day. ठीक है? और दूसरा अगर natural English में आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? Abby sent 100 or lesser messages every day. Abby sent 100 or lesser. ठीक है? Greater than 100 का opposite क्या होगा? 100 or lesser. ठीक है। okay. सिर्फ लेस देन 100 कहेंगे तो बीच में 100 कहाँ जाएगा? ना उसमें आया ना उसमें आया, राइट? ये तो आप जैसे वो लूप्स में करते थे ना कि ग्रेटर देन और दूसरा था ग्रेटर देन इक्वल टू, उसमें फर्क था। मुझे, मैंने जो अभी पूछा था उसका आंसर दें, हमने लास्ट टाइम इम्प्लीकेशन कर ली थी या नहीं की थी? जी साहब इम्प्लीकेशन कर ली थी, बाय डायरेक्शनल वो नहीं किया था। जी साहब
सर मैं पूछ रहा हूँ कि हमने इवन करने क्वेश्चंस ऑड करने इवन करने थे ना? हाँ बिल्कुल इवन करने थे, ऑड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है, समझने के लिए जब जब आपको मुश्किल हो रही होगी उससे प्रीवियस एग्जांपल देखने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा सॉल्यूशन मैनुअल नहीं है, बुक का अपना ही है, ऑथर का है। ओके बहुत अच्छी बात है कि इतने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आधी क्लास ऑलमोस्ट बाकी, और ये बहुत बुरी बात है कि आधी क्लास बाकी की नहीं कर रही। तो हमें काम पहुंचना है जल्दी जल्दी। डिसजंक्शन कर लिया हमने, ट्रुथ टेबल्स कर लिए हमने। हाँ जो बच्चे रिकॉर्डिंग का पूछते हैं, देखिए मैं बीच में पॉज की थी, मैंने भूल गया वापस ऑन भी करनी है, तो रिकॉर्डिंग नाम की होती है मेरे पास। आज मैं किसी वजह से घर आ गया था, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी क्लासेस वैसे भी ऑन कैंपस हो रही होंगी। अता एक मिनट बेटा, अता और नूर एक मिनट रुक जाए। इम्प्लीकेशन हमने कर ली थी। अच्छा इम्प्लीकेशन में हमने कोई ये बताएगा कि दोबारा यहाँ से इम्प्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे थे जिनको इम्प्लीकेशन शायद ना समझ में आई हो। इस मीटिंग में सिर्फ 6 मिनट बच गए तो इम्प्लीकेशन को रिवाइज करते हैं। अभी किस किस का हैंड रेज था? जी था, बोले बेटा। यस सर, सर मेरा सवाल था सर क्वेश्चन नंबर 42 से रिलेटेड ना। इतना दूर तक क्यों पहुंचे हुए हो? जब हमने मैंने कराई नहीं है इतने दूर तक सर, वो कोई भी नहीं पहुंचा क्वेश्चन तो जो आपने कराया है। नहीं कराया होगा, अब दोबारा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम क्लास में आ जाएंगे तो देख लेंगे, वैसे भी हमारा टाइम निकला ठीक है। इतने इतने दूर तक पहुंचे नहीं होंगे, इतना तो मैंने कुछ कराया ही नहीं है जितना मुझे समझ में आ रहा है। नहीं है तो फिर ठीक है देख लेंगे, नहीं तो क्लास में आएंगे तो देख लेंगे। ओके अभी कुछ कंटेंट्स तो कवर करें ना। ओके सिर्फ डिस्कशन में क्लास खत्म हो जाएगी। जी साहब सर, आपकी पीडीएफ फाइल हमें भेजेंगे या फिर नहीं? कौन सी? जिसमें आप जिसे पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन वगैरह जिसमें लिखी है। सर ये चीज मिल जाएगी, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ ना, तो तुम्हें इन चीजों को क्या करना है सर रिकॉल करने के लिए? तो कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो? बिल्कुल बैठे सर, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी हो रहा है ना बहुत, तो लेकिन यार सब कुछ नहीं लिख सकते। मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव ये है कि पढ़ना है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनका मुझे टेंशन नहीं है, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको मैं सब कुछ दे दूँ उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं करना है। चलिए सर आप प्लीज भेज देगा, थैंक यू सो मच। तो लास्ट टाइम हमने इम्प्लीकेशन पढ़ी थी, उसको पढ़ने के बहुत सारे तरीके थे, जैसे यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं रिकॉल करवाने के लिए आपको, इफ पी देन क्यू लिखा हुआ है, पी ओनली इफ क्यू लिखा हुआ है, पी सफिशिएंट फॉर क्यू लिखा हुआ है, पी व्हेनेवर क्यू लिखा हुआ है, और इस तरीके से पी क्यू इफ पी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? उस वक्त आपकी कंक्लूजन पहले आ रही थी और हाइपोथेसिस बाद में आ रहा था, दैट इज क्यू इफ पी लिखा हुआ था। इस तरीके के भी तरीके थे। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की है उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, जिन बच्चों ने पहली क्लास मिस की है सिर्फ उनको बता रहे हैं हम। और कुछ एग्जांपल्स की थी, यहां पर लिखा हुआ है If Steelers win the Super Bowl in 2013, then 2 is prime. Is it true or false? Whether this statement is true or false? कौन बताएगा? पहली statement assume करें कि false है, दूसरी true है। जी अबू बकर, साद खान। सर फॉल्स होगा ना, क्योंकि पहली फॉल्स आप कह रहे हैं। पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, दैट इज
हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंक्लूजन ट्रू है. अपने ट्रुथ टेबल को देखें जरा दोबारा. इंप्लीकेशन की डेफिनेशन हमने लिखवाई थी. इंप्लीकेशन इज फॉल्स ओनली व्हेन हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड कंक्लूजन इज फॉल्स. दैट इज जब कभी ऐसा मिल जाए कि पहला फॉल्स और दूसरा, सॉरी पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स मिल जाए तो ही ऐसा होता है. तो ऐसा ऐसा तो केस नहीं है. नो सर. तो ये ट्रू होगा. ठीक है. यस सर. और अब कौन बताएगा इसकी ट्रुथ वैल्यू. सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ इफ टुडे इज ट्यूसडे देन 2 × 3 = 8. आज की डे के हिसाब से पूछ सोच रहे. इफ टुडे इज ट्यूसडे देन 2 × 3 = 8. कौन बताएगा. प्रैक्टिस किया बेटा आपने. जी अबू बकर. अबू बकर ने म्यूट कर लिया. जी अता. सर ट्रू होगा अगर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं तो. और ओके अब जिस जो हैंड रेज्ड है वो डाउन नहीं करेंगे. अब मुझे अवेस बताएंगे. अवेस से जो पूछ रहा हूँ वो चीज बताएंगे. अवेस अनम्यूट करें. और अगर ये अवेस इस तरीके से लिखा हुआ था इफ टुडे इज फ्राइडे देन 2 × 3 = 8 तो क्या ट्रुथ वैल्यू होती. अवेस से पूछा है मैंने. इफ टुडे इज फ्राइडे देन 2 × 3 = 8. अवेश का माइक काम नहीं कर रहा है. कर रहा है बेटा जवाब दे दे. फॉल्स होगी. नहीं बेटा ओसामा बता रहे हैं. सर मैं अवेश बता रहा हूं. हाँ मुझे पता है. अब मैं कह रहा हूँ आपके जवाब सही नहीं है. ओसामा बता रहे हैं. सर इफ टुडे इज फ्राइडे देन 2 × 3 = 8 देन ट्रू होगा सर क्योंकि दोनों ट्रू है. Today is Friday. 2 × 3 = 8. True है बेटा. पहले तो मैं तुम्हें कुछ और मुझे पढ़ाने पड़ेंगे. Oh sir, sorry. हाँ. वो false हो जाएगा sir क्योंकि वो second statement वो false है. तो क्या हो जाएगा? False हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है. Always आप भी ठीक थे. बस मुझे ओसामा से भी confirm पूछना था. ठीक है? बेटा answer false ही होगा. आप सही थे. पहला true है. हाइपोथेसिस ट्रू है. कंक्लूजन फॉल्स है. आप सही थे. बस मुझे बीच में किसी और स्टूडेंट से पूछना होता तो ऐसे कर लेते हैं. अच्छा इंप्लीकेशन में तीन और चीजें होती हैं. वन इज कॉल्ड कन्वर्स एंड अदर इज कॉल्ड कंट्रापॉजिटिव एंड अदर इज कॉल्ड इनवर्स. ओके लेट सपोज पी इंप्लाइज क्यू इज अ प्रोपोजिशन. दैट मीन्स पी इज